हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओणम स्पेशल पायसम। ये मेनली केरल की एक स्वीट डिश है जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल ओणम में बनाई जाती है। वैसे तो पायसम कई चीज़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आज राइस पायसम बनाने जा रही हूँ जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं राइस पायसम बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम या आधा कप चावल, जिसको धोकर हमें 15 से 20 मिनट पानी में भिगोकर रखना है। 150 ग्राम कुटा हुआ गुड़, गुड़ की जगह आप चीनी का भी यूज कर सकते हो, पर गुड़ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पायसम में। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है। इसके अलावा 6 से 7 केसर के धागे, जिसे हमें दूध में भिगोकर आधा घंटे के लिए रखना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। आप चाहो तो यहाँ पर भैंस के दूध का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश या रेजिन्स, 5 से 6 छोटी हरी इलायची। तो इलायची का हमें यहाँ पर पाउडर तैयार करना है और काजू बादाम को हमें यहाँ पर बारीक कट करना है। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर ले सकते हो। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच घी। तो घी यहाँ पर मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी में भीगे हुए चावल। तो चावल को हमें यहाँ पर घी में रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। चावल यहाँ पर रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे दूध। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है। चावल को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और दूध के ऊपर मलाई आ गई है। तो मलाई को हम दूध में मिक्स करेंगे। तो हर 10 मिनट बाद हम इसे चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर काफी मलाई आ रही है, तो साइड की मलाई भी हमें दूध में मिक्स करती जानी है इस तरीके से। तो गैस का फ्लेम मैंने इस पूरे प्रोसेस में लो टू मीडियम रखा है। तो देखिए यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, तो ये काफी गाढ़ा हो गया है दूध। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम इस तरीके से स्पैचुला रख लेंगे ताकि ये गिरे ना। तब तक हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेंगे। 1 चम्मच घी मैंने यहाँ पर डाला है। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम। बादाम देर से रोस्ट होते हैं, इसलिए मैं बादाम को पहले डाल रही हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे काजू। काजू को भी हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेंगे बादाम के साथ। तो ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दूसरा इनमें क्रंचीपन आ जाता है। लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी किशमिश। तो किशमिश बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। इलायची को भी हम यहाँ पर इस तरीके से कूट लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हो। देखिए मैंने इसे यहाँ पर कूट लिया है। दूध की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 मिनट हो गए हैं और जो ये है हमारा दूध काफी गाढ़ा हो गया है। बस ये अब होने ही वाला है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चावल यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी गुड़। तो गुड़ को मैंने पहले अच्छे से यहाँ पर कूट लिया था ताकि ये जल्दी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ डालने के बाद हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता है, इससे दूध के फटने के चांस रहते हैं। तो गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध में भीगा हुआ केसर।
और कुटी हुई हरी इलायची, ये दोनों फ्लेवर के लिए हैं। आप अपनी पसंद के यहाँ पर और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट जिन्हें हमने घी में रोस्ट करके रखा था। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं यहाँ पर गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी, मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर ये काफी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने पर मैं इसे सर्व करूंगी एक मिक्सिंग बोल में। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सर्व कर लिया है और गार्निश किया हुआ है ड्राई फ्रूट से। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।